Ram Ram World Racer, Sabine and Roger here, countdown to the Ram Mandir inauguration. Today we're gonna watch Ayodhya dispute explained by the YouTube channel RJ Ronak and the complete history of the Ayodhya dispute from the YouTube channel The Curious Cobra. Okay, so as you guys know, the Ram Mandir is a mega, mega, super huge event. It's global, right? It's going to be covered all over the world. So of course, when something that monumental is happening, there's going to be controversy, right? Some people are going to be for it, some people are against it. Mm-hmm. All the opinions come up, and then people, yeah, really project what they know onto it. So hopefully this touches on everything we need to know to have an informed opinion, decision. We need all the information. So let's dive in and find out all about this. Excellent. Let's discuss this topic kindly in the comment section. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. जय श्री राम। दोस्तों 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इससे पहले हमने अपने कई वीडियोस में आपको ये बताया कि कैसे इस सपने को पूरा करने के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। 500 साल तक इसकी लड़ाई लड़ी गई, 150 साल तक अदालत में मामला चला, सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दी, न जाने कितने गुमनाम चेहरों ने मंदिर की लड़ाई में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ये तमाम कहानियां हैं जो अब तक हम आपको बता चुके हैं, मगर आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस वीडियो में, हम आपको उन वामपंथी इतिहासकारों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने भगवान श्री राम पर झूठ बोलकर देश को बरगलाने की, भटकाने की हमेशा कोशिश की। इन्होंने अदालत में यह तक साबित करने की कोशिश की कि भगवान राम का तो वजूद ही नहीं था, अयोध्या एक काल्पनिक शहर था। इतना ही नहीं, इन्होंने अदालत को यह भी कहा कि भगवान श्री राम की पूजा तो सिर्फ 300 साल पहले से होना शुरू हुई। तो क्या है इन वामपंथी इतिहासकारों की कहानी? किनके कहने पर इन्होंने अदालत के सामने ये झूठी कहानी बुनी? कैसे अदालत पहुंचकर ये अपने ही जाल में फंस गए? और किस तरह अदालत में इनके एक एक झूठ की बखिया उधेड़ी गई? Propaganda. Millions and millions of people. If someone has to be an inspiration after thousands of years, there must be something. दोस्तों, अयोध्या में विवादित ढांचे की जगह कभी भगवान श्री राम का मंदिर था या नहीं, इस बात को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच बरसों से विवाद रहा था। एक तरफ हिंदू पक्ष हमेशा से मानता था कि विवादित ढांचा या बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाया गया, वहीं दूसरा पक्ष ऐसी किसी बात से इनकार करता था। 90 के दशक में इस मामले ने तूल पकड़ा तो मुस्लिम पक्ष अदालत में एक रिपोर्ट का अक्सर हवाला दिया करता था। इस रिपोर्ट का नाम था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद, अ हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशन। इस रिपोर्ट को चार वामपंथी इतिहासकारों ने मिलकर तैयार किया था। इन चारों इतिहासकारों के नाम थे आर एस शर्मा, एम अथर अली, डी एन झा और सूरज भान। इन चारों वामपंथी इतिहासकारों ने 13 मई 1991 को गृह मंत्रालय को एक खत के साथ ये रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट का हवाला देकर दूसरा पक्ष लगातार अदालत में साबित करता था कि अयोध्या तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है ही नहीं, भगवान श्री राम की पूजा तो अभी 300 साल पहले से शुरू हुई, और यहां तक भी कहा गया कि भगवान राम का कोई वजूद था भी या नहीं, ये भी तय नहीं। आपको बता दें, इन इतिहासकारों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस स्कंद पुराण का हवाला देकर हिंदू ये दावा करते हैं कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, वो स्कंद पुराण तो खुद 18वीं या 19वीं शताब्दी में लिखा गया। सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर ऐसी रिपोर्ट बनाने पर इन इतिहासकारों को जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सालों की सुनवाई में हमने स्कंद पुराण पर कई लोगों की गवाही ली, इन लोगों से हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने बराबर सवाल पूछे, कई श्लोकों पर सवाल पूछे गए, मगर इस सुनवाई में हमें एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि स्कंद पुराण में लिखित अयोध्या महात्म को 18वीं शताब्दी के आखिर या 19वीं शताब्दी में लिखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिपोर्ट बनाने वाले इन चार इतिहासकारों में से एक सूरज भान को जब ये रिपोर्ट में लिखे तथ्यों पर हाई कोर्ट में क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उन्होंने अदालत में कबूल किया कि उनके और आर एस शर्मा के अलावा बाकी दोनों इतिहासकार तो अयोध्या गए ही नहीं, यहां तक कि उन लोगों ने वेद और पुराण भी नहीं पढ़े। ये सुनकर अदालत के भी तोते उड़ गए कि जिस रिपोर्ट के आधार पर दूसरा पक्ष ये साबित करने में लगा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि कभी थी ही नहीं, जिस रिपोर्ट के बेस पर भगवान राम को ही काल्पनिक किरदार बताया जा रहा था, उसी रिपोर्ट को बनाने वाले इतिहासकार कभी अयोध्या गए ही नहीं। अरे आए क्या, अभी आगे आए। और तो और, जिन चार इतिहासकारों के नाम से ये रिपोर्ट पेश की गई थी उनमें से एक डी एन झा ने तो इस रिपोर्ट पर साइन तक नहीं किए। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पॉइंट पर आएं कि बाद में इन सो कॉल्ड इतिहासकारों, हिस्टोरियंस की सुप्रीम कोर्ट में क्या फजीहत हुई और अदालत ने इनके लिए ऐसा क्या कहा जो भारतीय न्याय व्यवस्था में शायद ही पहले किसी के लिए कहा गया हो, वो सब हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले इन्हीं एक एक झूठ की खबर लेते हैं।
दोस्तों हैरानी इस बात की है कि ये वामपंथी इतिहासकार ये साबित करने में लगे थे कि भगवान श्री राम की पूजा तो सिर्फ 300 साल पहले होने लगी, जबकि आज भी 12वीं शताब्दी में बने ऐसे कई मंदिर हैं जिनमें मंदिर की दीवारों पर रामायण की कहानियां बताते हुए शिलालेख बने हुए। ऐसे दो मंदिर आज भी मध्य प्रदेश में हैं और तीसरा मंदिर तो खुद अयोध्या में था जिसे तोड़कर बाबर ने वहां मस्जिद बनवा ली थी। थोड़ा और बाद में आ जाएं तो 16वीं शताब्दी में भारत घूमने आए विलियम फिंच ने अयोध्या का जो जिक्र किया है उसे साफ पता चलता है कि वहां हर ओर हिंदू थे। विलियम फिंच बताते हैं कि रामकोट में हिंदू ब्राह्मण पुजारी मौजूद हैं जो वहां स्नान करने आने वाले हिंदुओं के नाम रिकॉर्ड करते थे। मिस्टर फिंच को जाहिर तौर पर उस जगह की आध्यात्मिक इंपॉर्टेंस को कुछ पता नहीं था, मगर अपने संस्मरण में वो कहीं उस जगह पर नमाज पढ़े जाने की बात नहीं करते। लेखक आर नाथ ने उनके इन्हीं संस्मरणों पर इंडिया एज सीन बाय विलियम फिंच के नाम से किताब भी लिखी। इसी तरह 17वीं शताब्दी में एक ऑस्ट्रियन ज्योग्राफर भारत आए थे, उनका नाम था जोसेफ टेफेनथेलर। उनकी लिखी बातें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो भारत की विस्तृत यात्रा करने वाले पहले यूरोपियन थे। वो 40 सालों तक भारत रहे, उनमें से उन्होंने 7 से 8 साल तो अवध के इलाके में बिताए। जोसेफ भी अपने संस्मरणों में रामनवमी के मौके पर बड़ी संख्या में हिंदुओं के जुटने की उन्होंने बात लिखी। उन्होंने भी अयोध्या में मुसलमानों के नमाज पढ़ने या बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की कहीं कोई बात लिखी ही नहीं। तो दोस्तों अगर हम इन दो विदेशी लेखकों या पर्यटकों की बात को भी सच मान लें तो वामपंथियों की बात तो वहीं झूठी साबित हो जाती है कि भगवान श्री राम की पूजा 18वीं शताब्दी में होने लगी है। हेलो, और ये कोई पहला प्रोपेगेंडा नहीं था, और न ही ये चार वामपंथी अकेले थे जो इस दौरान भगवान राम के अयोध्या से कनेक्शन पर सवाल उठा रहे थे। 1992 में कार सेवकों ने जब विवादित ढांचे को गिराया तो उसमें ढांचे के अंदर मौजूद एक शिलालेख भी गिर गया था, वो शिलालेख जो कभी वहां मंदिर होने की पुष्टि करता था। गिरते ही शिलालेख टूट गया था, मगर फिर भी उस पर लिखे शब्दों को साफ पढ़ा जा सकता था। लेकिन जैसे ही ये बात सो कॉल्ड इतिहासकार इरफान हबीब को पता लगी तो वो इस शिलालेख को साजिश बताने लगे। मशहूर इतिहासकार मीनाक्षी जैन जी बताते हैं कि इरफान हबीब का कहना था कि ये शिलालेख मस्जिद में नहीं थे, ये तो बड़ी चालाकी से बाहर से लाकर अंदर रखे गए। इस पर जब इरफान साहब से ये पूछा गया कि अगर कोई कार सेवक बाहर से लाकर इसको रख गया तो किसी ने इसे देखा क्यों नहीं, इसके बाद इरफान हबीब ये कहने लगे कि नहीं नहीं, ये तो लखनऊ म्यूजियम से चुरा कर यहां लाया गया। जो दर्शक, जो भी व्यूअर्स हमारे नहीं जानते उन्हें बता दें कि जब जजों ने बाद में जब ASI को भरी अदालत में ये बताने के लिए कहा कि ये बताओ उस शिलालेख पर क्या लिखा है, तो जो बताया गया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, जो विवादित ढांचा वहां 450 सालों से खड़ा था, उसी ढांचे या मस्जिद के अंदर एक शिलालेख मौजूद था जिस पर क्लियरली साफ साफ लिखा था कि ये मंदिर उस शख्स की शान में बनाया जा रहा है जिसने 10 सिर वाले रावण का वध किया था। और ये कोई हवाई या मनगढ़ंत बातें नहीं है, इन सब के सबूत मौजूद हैं। मगर नहीं, इसके बावजूद वामपंथी इतिहासकार दूसरे पक्ष के लोग लगातार ये साबित करने में लगे थे कि वहां कभी कोई मंदिर था ही नहीं। इसी तरह एक और मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन लगातार ये दावा करते रहे हैं कि किसी और धार्मिक स्थल की जमीन पर मस्जिद बनी नहीं सकती। वो ये भी कहते रहे हैं कि अगर ये साबित हो जाता है कि वहां कोई मंदिर था तो हम खुद ये जमीन मंदिर के लिए खाली कर देंगे। मगर जैसे ही ASI की खुदाई में सबूत सामने आने लगे कि वहां पहले से कुछ था तो इन लोगों के सुर बदल गए। अचानक ये लोग कहने लगे कि वहां मस्जिद से पहले ईदगाह थी। आपको बता दें कि इन लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब वहां ईदगाह की दलील दी तो अदालत ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। अदालत का कहना है कि अब तक आप कह रहे थे कि मस्जिद खाली जमीन पर बनाई गई थी, अब आपको अचानक से कैसे याद आएगा कि यहां पहले ईदगाह थी। तो दोस्तों कहने में कोई हर्ज नहीं है कि चाहे एक टाइम की सरकारें हों, वामपंथी इतिहासकार हों या दूसरे पक्ष के लोग हों, इन लोगों ने अयोध्या को लेकर तमाम झूठ बोले हैं, दबा के बोले हैं। इन लोगों ने झूठ की ऐसी रेल चलाई है जिसमें अदालतें कई सालों तक उलझ कर रह गई। मगर जैसा कहते हैं ना, सच एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है, और विवादित ढांचे के पहले मंदिर होने की हकीकत भी सामने आ ही गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर 22 मई 2003 को विवादित ढांचे की खुदाई का काम शुरू किया गया जो 11 जून 2003 तक चला। खुदाई करने वाले 131 मजदूरों में 52 मुस्लिम मजदूर थे। खुदाई शुरू होते ही पहले तो ये जानकारी लोगों के होश उड़ गए कि मस्जिद की कोई बुनियाद ही नहीं थी, मस्जिद तो वहां पहले से मौजूद रहे मंदिर की नींव पर ही बनाई गई थी। 21 दिनों तक चली इस खुदाई में ASI को कमल पर बैठी आकृतियां मिली। खुदाई में मिले पत्थरों पर हिंदुओं के चिन्ह, कमल, कौस्तुभ आभूषण, घड़ियाल, मुखौटे अंकित, ये सारी चीजें मिली। करीब 20 फुट की गहराई में पत्थर के चबूतरे का खंड भी मिला जिसका बचा हुआ एक हिस्सा दीवार में चुनवा दिया गया था। बाहर निकली शिला में देवनागरी लिपि में 5 अक्षर भी अंकित थे। जांच के बाद ASI ने कोर्ट को बताया कि पुरावशेषों पर जो आकृतियां सूचीबद्ध की गई हैं उनमें विभिन्न ईंटों की दीवारें, उत्तर दक्षिण घुमावों के रंगीन फर्श, विभिन्न आकार के स्तंभ और एक काले पत्थर का भी स्तंभ मिला है। स्तंभ के चारों कोनों पर कई आकृतियां भी थी।
इसके अलावा जो अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं मिली उनमें सीढ़ी थी, दो काले बसाल्ट के खंभे शामिल थे, इन पर लिखे कमल के ऊपर शांति मुद्रा में पलथी लगाकर बैठी आकृतियां और ऊपर की ओर मोर के पंख बने हुए थे। रिपोर्ट में खासतौर पर यह बताया गया कि प्रारंभिक सतह 30 फुट तक की गहराई तक नहीं पाई गई है, जिससे साफ पता चलता है कि 2500 साल यहां पहले किसी ढांचे का अस्तित्व रहा होगा। इसके अलावा भी वहां बीसियों ऐसे सबूत मिले जो चीख चीख कर इस बात का दावा कर रहे थे कि वहां पहले सिर्फ और सिर्फ मंदिर था। जो लोग ये सोचे होंगे कि खुदाई में भी गड़बड़ी की जा सकती है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि खुदाई का ये काम अदालत के सख्त निर्देशों के बीच हुआ। अदालत का खास आदेश था कि खुदाई का काम दोनों तरफ के लोगों की मौजूदगी में किया जाएगा, हर दिन मिली चीजों का ब्यौरा रजिस्टर में लिखा जाएगा, फिर रजिस्टर पर दोनों तरफ के लोगों के दस्तखत करवाए जाएंगे। खुदाई में कहीं ऐसा सबूत नहीं मिला कि यहां कोई पहले घर था। जो सबूत बाद में मिले वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इसे साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जब हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया तो ये कोई भावुक फैसला नहीं था, नहीं अदालत भावनाओं के आधार पर कोई फैसला करती है। अदालत सिर्फ और सिर्फ सबूत की भाषा समझती है और एक एक सबूत यही साबित कर रहा था कि वहां विवादित ढांचे का निर्माण मंदिर तोड़कर ही किया गया था। मगर हैरानी है कि जो सबूत एएसआई को अपनी 20 दिन की खुदाई में मिले, जिन सबूतों को समझने के लिए अदालत ने इतने दिन लगाए, मामले की तह तक जाने के लिए अदालत ने 150 साल की अदालती कार्रवाई के कागज मांगे, मगर हमारे कुछ वामपंथी इतिहासकारों ने बिना वेद पुराण पढ़े, बिना अयोध्या विजिट किए, बिना ऐतिहासिक तथ्य जाने ये साबित कर दिया कि वहां तो कभी मंदिर था ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। यही कारण है कि अदालत ने जब राम मंदिर पर अपना फैसला सुनाया तो एक फैसला उसने इस रिपोर्ट पर भी सुनाया और इसकी इतने कड़े शब्दों में निंदा की जिसका दूसरा एग्जाम्पल भारतीय लीगल सिस्टम में मिलता ही नहीं है। अदालत को यहां तक कहना पड़ा कि हम आमतौर पर गवाहों के बयानों और किसी की रिसर्च पर कोई सख्त टिप्पणी तो करते नहीं, मगर इस मामले में ऐसा लगता है कि लापरवाही की सारी हदें तोड़ दी गई। जो लोग खुद को एक्सपर्ट कहते हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी खास रिसर्च के ऐसी रिपोर्ट दी जो बेहद गैर जिम्मेदार है। अदालत ने यह भी कहा कि यह मामला पहले ही बहुत पेचीदा और संवेदनशील था, मगर इस रिपोर्ट ने मामले को सुलझाने की बजाय इसे और पेचीदा बना दिया। किसी को भी ऐसे बयान देने या ऐसी रिपोर्ट फाइल करने से बचना चाहिए। आपको बता दें, मशहूर लेखक और इतिहासकार अरुण आनंद की हाल ही में अयोध्या विवाद के 500 सालों के इतिहास पर एक किताब आई है। किताब का नाम है राम जन्मभूमि। इस किताब में अरुण जी ने विवाद के इतिहास के साथ साथ एक चैप्टर इन इतिहासकारों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी, सुप्रीम कोर्ट ने जो उन पर कमेंट किया उस पर भी समर्पित किया है। हमारे लिए यहां तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी टिप्पणी को, पूरे कमेंट को बता पाना पॉसिबल नहीं है, मगर जब हम कई पन्नों के इस जजमेंट को पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि उन चार इतिहासकारों की वो रिपोर्ट इस देश के साथ कितना बड़ा धोखा थी। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि होए वही जो राम रचिया, जो प्रभु श्री राम पूरी दुनिया के पालनहार हैं, सबका ख्याल रखते हैं, उनकी ख्याति का भला कोई क्या ही बिगाड़ सकता। आज ये सो कॉल्ड हिस्टोरियंस कहीं के नहीं है, नहीं शायद कभी ये याद रखे जाए, लेकिन अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, मंदिर भी तैयार है और सारे भक्तगण प्रभु के दर्शन के लिए भी तैयार है। और इतना ही बताने के लिए काफी है कि आखिर में जीत किसकी हुई। राम मंदिर, ये नाम सुन के कोई भी राम मंदिर दिमाग में नहीं आता, बल्कि दिमाग में आता है अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर, जो पिछली 5 सेंचुरीज से इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बना हुआ था। और फाइनली अयोध्या में जनवरी 2024 में राम मंदिर का इनॉग्रेशन सक्सेसफुली हो रहा है। इस मंदिर को बनने के पीछे कई सारे कोर्ट केसेस, दंगे, लड़ाइयां, इनफैक्ट टेररिस्ट अटैक्स तक इन्वॉल्व हैं। और आज भी कोई राम मंदिर का नाम ओपनली लेता है तो ये समझा जाता है कि या तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से अफिलेटेड हैं, या फिर किसी रिलीजन के अगेंस्ट है, या फिर पोलराइज्ड है। मैं इस वीडियो में अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री की, राम मंदिर से क्या जुड़े हुए इवेंट्स थे, कैसे ये डिस्प्यूट शुरू हुआ, कैसे ये डिस्प्यूट रिजॉल्व किया सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या फीचर्स हैं नए राम मंदिर के जो अब बन रहा है, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे, देश पर। बाबर इंडिया का पहला मुगल एम्परर था। ऐसा माना जाता है कि उसके एक जनरल मीर बाकी ने ईयर 1528 में एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। उस समय के लिटरेचर्स में, बुक्स में, इनफैक्ट बाबर की खुद की ऑटोबायोग्राफी में भी इस मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है। इस मस्जिद का सबसे पहला जिक्र हुआ था 17th सेंचुरी में, जब अंग्रेज इंडिया में आए थे और उनके एक सर्वेयर ने, एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस मस्जिद के अंदर जाकर एक प्लेट को पढ़ा था और उस पर यह लिखा गया था कि ये मस्जिद बाबर को डेडिकेटेड है। अयोध्या की लोकल ट्रेडिशनल स्टोरी यह कहती है कि औरंगजेब ने यहाँ पर एक मंदिर तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। पर इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर कोई डिस्प्यूट नहीं था, इंडिया में मुगलों का राज था, सब कुछ शांति से चल रहा था 1855 तक, जब पहली बार
इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई के दंगे स्टार्ट हुए। हिंदू भी इस मस्जिद के अंदर जाकर पूजा करना चाहते थे और मुस्लिम्स भी यहाँ पर प्रेयर करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स ने दोनों के ही पूजा पर बैन लगा दिया और इस कंपाउंड को पूरी तरह से सील कर दिया। मगर इसके बाद में उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि मस्जिद का जो मेन बिल्डिंग है उसके अंदर मुस्लिम्स पूजा करेंगे और जो बाहर का पेरिफेरल एरिया है वहां पर एक चबूतरा बना दिया गया जहां पर हिंदू लोग वर्शिप कर सकते हैं उसे राम जन्मभूमि मानकर। मगर इस सॉल्यूशन से हिंदू सेटिस्फाई नहीं हुए। 1885 में पहली बार एक कोर्ट केस हुआ महंत रघुबर दास की तरफ से और उन्होंने ये डिमांड किया कि जो पूजा का स्थल है वहां पर एक रूफ कंस्ट्रक्ट की जाए, एक छोटा सा कमरा बनवा दिया जाए एटलीस्ट, ताकि पूजा आराम से हो सके। मगर कुछ हुआ नहीं क्योंकि इस मुद्दे को इतना बड़ा जंप नहीं मिल पाया क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल से जूझ रहा था और 1947 में इंडिपेंडेंस पाते ही 1949 में एक बड़ा इंसिडेंट यहाँ पर हुआ। कुछ लोगों ने मस्जिद के अंदर घुसकर भगवान राम की मूर्ति वहां पर प्लेस कर दी और उसके बाद में हिंदू लोग मस्जिद के अंदर जाकर भगवान राम की पूजा करने लगे और इसके बाद में आजाद भारत की सरकार ने इस कंपाउंड पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। किसी को भी पूजा या फिर इबादत करने की इजाजत नहीं दी गई और इसके बाद में शुरू हुआ कोर्ट केसेस का सिलसिला। कई सारे ग्रुप्स आ गए उठकर कि इस लैंड पर हमारा क्लेम है और इस डिस्प्यूट के दो की जगह तीन मेजर पोल्स थे। पहला था हिंदुओं का ग्रुप, दूसरा था निर्मोही अखाड़ा जो कि भगवान राम के सगुण रूप की जगह निर्गुण रूप की पूजा करते हैं, और तीसरा था सुन्नी वक्फ बोर्ड जो कि मुस्लिम्स की साइड से लड़ रहे थे। कोर्ट केसेस के कोई हल नहीं निकले। विश्व हिंदू परिषद ने राम टेंपल के कंस्ट्रक्शन के लिए एक कमेटी बना दी इस होप में कि जैसे ही कोई कोर्ट केस सेटल होगा वैसे ही राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया जाएगा। 1986 में पहली बार फैजाबाद कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसने हिंदुओं को उस जगह पर पूजा करने की इजाजत दे दी और इससे गुस्सा होकर मुस्लिम्स ने अपनी एक अलग कमेटी बनाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी। इसके बाद एक ग्रुप बनाया गया हिंदुओं की तरफ से, इसका नाम था राम लला विराजमान, जिन्होंने काफी एंड तक इस कोर्ट केस को लड़ा और सभी ग्रुप्स कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहते थे इस पूरी लैंड का, इंक्लूडिंग द मेन बिल्डिंग एंड द पेरिफेरल कंपाउंड, इसका पूरा का पूरा ओनरशिप चाहते थे। 1990 में सिचुएशन काफी ड्रामेटिक हो गई। मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू की सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश तक, काफी सारे लोग इसमें जुड़ते गए, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई। बिहार में आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया गया मगर इस अरेस्ट से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी ने जो उस समय की गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रखा था उसको विड्रॉ कर लिया वीपी सिंह की गवर्नमेंट से। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी के दृष्टिकोण को देखते हुए उस लैंड का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। मगर इसके बाद में इंडिया में टर्बुलेंस थमा नहीं, कई सारे ग्रुप्स हुए, रायट्स हुए और 1992 में हजारों की तादाद में कर सेवक अयोध्या पहुंचे और उन्होंने बाबरी मस्जिद पर चढ़कर पूरी की पूरी बिल्डिंग को ढा दिया और उस जगह पर उन्होंने एक टेम्परेरी राम मंदिर बना दिया। पूरी इंडिया में हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए जगह जगह पर। गुजरात में जो गोधरा कांड है वो काफी फेमस है इसके लिए, इसमें ट्रेन में आग लगा दी गई थी जो कर सेवक लौट कर आ रहे थे उनकी बोगी में। गुजरात में भी काफी सारे हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे इसके बाद। उस समय गवर्नमेंट ने एक सोल्यूशन दिया था कि इस जगह पर एक मंदिर, मस्जिद और एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम बना दिया जाए, मगर ये सोल्यूशन किसी भी ग्रुप को पसंद नहीं आया। जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नया डिपार्टमेंट चालू किया जिसका नाम था अयोध्या विभाग, स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, क्योंकि कई सारी गवर्नमेंट्स आई और गईं मगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई थी जो हिंदुओं और मुस्लिम्स के लिए एक रायट का इश्यू हमेशा बना रहता था। 2005 में तो 5 टेररिस्ट ने आकर इस कंपाउंड पर अटैक भी किया था जिसमें सीआरपीएफ के जवान घायल हुए थे। इस मामले के लीगल मैटर्स ने रफ्तार पकड़ी जब अलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में ये केस चला गया। 2002 से 2010 तक अलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस चला। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया कि आप वहां पर जाकर सर्वे कीजिए, उन्होंने सर्वे की फाइंडिंग्स दी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उस समय ये कहा कि 12th सेंचुरी में ये रिकॉर्ड्स हैं कि वहां पर एक मंदिर था, 15th सेंचुरी में ये रिकॉर्ड्स हैं कि वहां पर एक मस्जिद थी। अब इन बीच के जो 300 साल हैं उसमें क्या हुआ, क्या मंदिर तोड़ा गया और उसके ऊपर मस्जिद बनाई गई या फिर नहीं हुआ ऐसा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। मगर ये एस्टैब्लिश था कि पहले मंदिर था बाद में मस्जिद बनी। और कई सारे ग्रुप्स की कई सारी दलीलें सुनने के बाद में अलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक बीच का फैसला दिया। उन्होंने कहा कि इस जमीन के 3 हिस्से कर दिए जाएं, एक हिस्सा जाएगा मुस्लिम्स को मस्जिद बनाने के लिए, एक हिस्सा जाएगा हिंदूज को मंदिर बनाने के लिए और एक हिस्सा जाएगा निर्मोही अखाड़ा को। मगर अगले साल 2011 में उन ग्रुप्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हम इस केस का फैसला करेंगे। और फिर अगले 9-10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 पार्टियां आपस में लड़ रही थी, एक थे रामलला विराजमान, दूसरा था वक्फ बोर्ड और तीसरा था निर्मोही अखाड़ा, जो भी अपना क्लेम इस पर डिमांड कर रहे थे। इस केस की फाइनल हियरिंग 2019 में 40 दिन तक चली जो इंडिया में सेकेंड लॉन्गेस्ट चलने वाला केस था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी दलीलें सुनने के बाद में ये फैसला दिया कि ये जो 2.77 एकड़ की जो मेन लैंड है इस पर
राम मंदिर बनना चाहिए और इससे दुगनी लैंड यानी कि लगभग 5 एकड़ लैंड सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलनी चाहिए जहां पर वो मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करें। और निर्मोही अखाड़ा को उन्होंने कहा कि आप जो क्लेम कर रहे हैं उसके लिए आपके पास कोई बेसिस नहीं है। और इनफैक्ट राम मंदिर की भी जो लैंड थी वो उन्होंने गवर्नमेंट के पोजीशन में दी और गवर्नमेंट को ये कहा कि आप एक फ्रेश राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन कमिटी को एस्टैब्लिश कीजिए, उसको ढंग से एस्टैब्लिश करने के बाद में आप ये जमीन उनको हैंड ओवर कीजिए। और जब आप ये जमीन उनको हैंड ओवर करेंगे ठीक उसी दिन वो 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी मिलनी चाहिए, यानी दोनों जमीन का हैंडओवर एक ही दिन होना चाहिए। और इस डिसीजन के बाद में मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप्स वर सेटिस्फाइड। इसके बाद 2019 से 2024 तक हुआ राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का ट्रस्ट बनाया गया जिसने राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। बीच में कोविड लॉकडाउन आने के कारण काफी सारे सेटबैक्स आए। 25 मार्च 2020 को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रेजेंस में भगवान राम की मूर्ति को उनके टेम्पररी टेम्पल से हटाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया ताकि वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा सके। राम मंदिर की डिजाइन दी है सोमपुर फैमिली ने जो अहमदाबाद से बिलोंग करती है और ऐसा बिलीव किया जाता है कि उनकी फैमिली ने सोमनाथ मंदिर की डिजाइन की है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है कि कंप्लीट होने के बाद में वर्ल्ड का तीसरा बड़ा हिंदू टेम्पल होगा। जो 2.77 एकड़ लैंड इनको मिली थी उसके अलावा इन्होंने कई 100 एकड़ जमीन आसपास की खरीद ली। उस जगह पर बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए, दुकानें बनाई जाएंगी, रेस्ट हाउस और कई सारी फैसिलिटीज डेवलप होंगी टूरिज्म के दृष्टिकोण से। इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रोज लगभग 70,000 लोग इस मंदिर को विजिट कर सकते हैं। L&T ने फ्री में इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन की कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है। मंदिर के कंस्ट्रक्शन में कई सारी IITs जैसे कि IIT रुड़की, गुवाहाटी, मद्रास इन्वॉल्व हैं। रुड़की की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने यहाँ पर सॉइल टेस्टिंग की है और डिजाइंस में कई सारे फीडबैक्स दिए हैं। कर्नाटका के स्कल्प्टर अरुण योगीराज की मूर्ति को इस मंदिर के लिए चुना गया है जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई है जो इंडिया गेट के पीछे अमर जवान ज्योति पर एस्टैब्लिश्ड है। जब इस मंदिर का भूमि पूजन हुआ था तो गंगा, यमुना, सरस्वती के कई सारे घाटों से मिट्टी लाकर यहाँ पर रखी गई थी। जनवरी 2023 में 6 करोड़ साल पुराने 2 शालग्राम के रॉक्स, एक 14 टन का और एक 26 टन का नेपाल की तरफ से दिए गए थे। इन दो रॉक्स को यूज करके मूर्तियां 60 मिलियन ईयर्स ओल्ड दोस रॉक्स। व्हाट? Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Let's start off by talking about the end of this video right here, just where he's talking about Ayodhya, becoming this boom town with an airport. The airport expansion into an international airport, and then the trains, and then everybody's going to be flocking there. And then the whole Ayodhya redevelopment is really cool because, honestly, we were planning on being in Ayodhya. Some of you may know that. And so I was really looking online, Google Maps, and I was checking out all of the sites that I was going to go to. And then, so after investigating, I was getting to this point that Ayodhya is like really a small town. There's really actually not that much. Oh. There's not really like big mega hotels. And I was like, but they have Diwali there, which is really getting really big as a tourist spot. Each year, people are flocking there. But I think that's only like recent in the last few years or so, like becoming more and more and more popular due to this laser light show and then everything else going on. But the town itself was really like small town, kind of dead, not much going on. There's the one really big Hanumanji temple, which was very, very popular. And that was like the most popular thing. Other than that, it was kind of like a ghost town other than during Diwali and then possibly other, you know, big festivals and celebrations. But now this is going to be like, it's flourishing now on a whole nother level, right? So yeah, like 70,000 people per day in the temple. It's going to be, it's going to be flocking there for quite some time. Hotels are going to be booked for the foreseeable future because now that the Ram temple is going to be open, everybody's going to start pouring in. So anyways, let's talk about the controversy first video. So that's understandable, right? So people, we got to remember ignorance, right? When you're fighting for something that you believe in, even when I can see those politicians not really knowing, they're not caring to read the scriptures and really diving into it because they're biased in their belief system, right? That how can that be true, right? So when you adopt a belief system, I'm going to assume a lot of them were either just secular, like you guys can correct me, or of course Muslims, right? So the one committee seemed like it was very Muslim, and Muslim is coming from the point of view that God can't be in any form, right? So of course a human avatar of God would just be ridiculous, and they're labeling it as myth. And then they're going to be like, there's nothing to investigate. So of course there was no
Ram temple, or if there was, it doesn't matter because that's not God. So you're putting your version and view of God above and mm-hmm. superior. It's this superiority complex that is actually just full of pride. And you're thinking that your knowingness of God is more than others, even when you're the one that's actually subjugating people throughout history and forcing your ideology onto others, and like forceful conversions and all of that that we know went on. It's true. You just gotta be open-minded and look at history, and then you can see very much so what some religions were doing to others. And it's no doubt that that's what happened here. So then you're not open-minded. You're not looking into, okay, well, what if God was unlimited? What if God could be in human form? And even though I'm not gonna buy into that because of I'm in this religion and this belief now, well, at least I can respect that some people access God through various ways. And it shows mm-hmm. the, you know, it shows the curious nature of human beings, and that we all have our own divine right to choose our own path, you know, to God and reconnection, mm-hmm. right? Which is about becoming more human and loving one another. So other than that, yeah, controversial, but now we know over time things are coming to light and it is what it is. We know, like, it's nothing special. There's a lot of ignorance in the yeah, world. People actually are fighting for their belief yeah. and their ideology yeah. instead of expanding their belief mm-hmm. to be unlimited, which is what is actually mm-hmm. really needed in order to progress spiritually. Yeah. You got to kind of let go about what you think you know and then surrender to, you know, evidence and facts and what if, right? Mm-hmm. Like, what if the Ramayana isn't myth? Just open your mind to that, mm-hmm. right? Mm-hmm. Oh my God. Whoa. And then dive into, okay, what would have happened in like ancient times or even not so ancient? Who knows, right? Mm-hmm. But just be open to the fact that what if God was in human form? And that's how I see, mm-hmm. so Lord Ram and Lord Krishna. So Lord Krishna to me was very much as a teacher to guide and direct and teach, you know, the Pandavas in particular. But because remember, he wasn't participating in the battle of Kurukshetra. He was more mm-hmm. of a teacher and a guide, whereas Lord Ram was, no, action. He was leading by example of, okay, here's a problem. It's my duty and my dharma to go, you know, destroy all these mm-hmm. demons, right? And then you can introspect that and be like, okay, well, what is my duty, right? He's the ideal man, God in human form, to teach a particular way of being, right? So we got to own that, and we got to be like, okay, well, I got to battle my inner demons. I got to share what I know, my truth and my light and what I believe, and but in a way that's universal, right? So we're including all human beings, which is very much what Lord Ram was doing. Yeah. Even knocking on the gates of the, you know, palace in Lanka, right? Mm. Still giving Ravan the opportunity, who Ravan is the embodiment of the ego, right? Yeah. So Rakshas, right? So very much into his, like, his 10 heads is very much personified of the distinct qualities of the negative ego mind, thinking that you're so good and better and you know more and da-da-da-da-da. Lord Ram's like, hey, you gotta let go. You gotta surrender that. You gotta, you know, come clean. And even in that sense, Lord Ram still would have forgiven him. And that's why this is our job too, to forgive the people who stir up these controversies, you know, who plant seeds of doubt in people's minds. It's like Roger said, they're ignorant, and our job is to follow the teachings and to keep our hearts open and take appropriate action, but never close our hearts towards them. We're watching these videos not to judge them, it's like, oh, such bad people are out there, but to recognize that these forces are out there. I mean, we're living in duality.
It's like they cannot not exist. And also they do help us actually to purify our negative karma because we can practice patience with them and love. Mm-hmm. They're important, and we have to keep in mind that they in those moments create negative karma. So yes, their future looks a little bleak, whereas our future, because of them, might look really, really good, because we create the merit of patience and loving them anyways and helping them on a better path, maybe, ideally. Yeah, so keeping that open heart and open mind, central, right? Yeah. Because like Sabine touched on, is like the most important thing for all of these scriptures, any single religious scripture, spiritual guidebook, anything, you're going to come to discover that on the path, is that the teachings are the most important. It's like, what do the deities, the gods, avatars, the saints, the sages, the messiahs, all of the holy beings, what are they teaching, right? What are they sharing with the world? What do they want us to know that we're having a hard time knowing? Then you got to be like, contemplate, meditate on that, surrender to it. Okay, what is happening? Jai Shri Ram. Thanks so much for watching and celebrating the Ram Mandir inauguration with us. We're so far away, and yet our hearts are in Ayodhya. Somebody wrote this morning when I made a poll asking, are you in Ayodhya? And then someone said, my heart is in Ayodhya. And so are ours. Oh yeah. Okay, see you tomorrow on the next video of the Ram Mandir Celebration Marathon. We love you. And Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Bless you all. Peace.